welcome and welcome back to my channel. I'm Samantha, back it again with another video. So, thumbnail से तो पता चल ही गया होगा कि ये video है hostel tour का. तो आज मैं आप सबको लेके जाने वाली हूँ हमारे FM University के ladies hostel tour पे. और इस video में मैंने try किया है लाइक हमारे 5 लेडीज हॉस्टल कवर अप करने का. लाइक जिन्होंने अभी तक सारा हॉस्टल नहीं देखा है कि कौन सा हॉस्टल 2 सीटेड है, 3 सीटेड है और 5 सीटेड है, तो इस वीडियो में उन्हें पता चल जाएगा. और स्पेशली मैं थैंक्स कहना चाहूँगी मेरे सारे फ्रेंड्स को, क्योंकि जब मैंने उन्हें पूछा कि मैं हॉस्टल टूर का वीडियो बनाने वाली हूँ तो क्या मैं मतलब तुम्हारा रूम लेकर के जा सकती हूँ, तो किसी ने भी मुझे मना नहीं किया एंड दे वर ऑल अग्रीड विद मी. सो या थैंक्स टू देम. आई होप कि आप ये वीडियो लाइक करो. सो या वीडियो में बने रही है एंड वॉच रही है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द लेडीज हॉस्टल 1 जहाँ मैं खुद भी रहती हूँ. और ये है उसका एंट्रेंस. प्यारा लग रहा है, यू नो. और ये रहा हमारा कैश काउंटर, वो रहा हमारा फर्स्ट एड बॉक्स एंड दिस इज़ आर नोटिस बोर्ड. एंड ये जो सामने दिख रहा है ये है सारे रूल रेगुलेशन बोर्ड्स. ये है विजिटर्स रूम, जो भी गेस्ट आते हैं ये बैठते हैं. ये हमारे अप्पा यानी जो हमारी केयर टेकर है उनका रूम है. और ये सब सारे हॉस्टल रूम्स. एंड या इधर चलते हैं किचन की ओर. हमारा जो ये विजिटर्स रूम अंदर से ऐसे दिखता है. और ये था हमारा बेसिन वाला एरिया. और ये हमारा डाइनिंग हॉल है जो कि अंदर से कुछ ऐसे दिखता है. एंड यस वी डू हैव अ टीवी एंड अ रेफ्रिजरेटर. और इधर है किचन वाला एरिया. अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर. सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं कुछ ऐसे दिखता है. और ये हमारा स्टडी रूम है. इधर बाकी के हॉस्टल रूम्स. और हम सीधे जा रहे हैं हमारे कॉमन रूम की ओर. यस, जो कि अंदर से कुछ ऐसे दिखता है. यहाँ पे ज़्यादातर मीटिंग्स वगैरह होती हैं. ओके, वापस चलते हैं. ओके ठीक है, तो मैं आ चुकी हूँ नीचे. और ये रहे सारे हॉस्टल रूम्स. और देख सकते हैं यहाँ पे शूज़ स्टैंड्स भी रखे हुए हैं अपने स्लीपर्स वगैरह रखने के लिए. और इधर सारे बाथरूम्स हैं हमारे. और ये गीज़र भी लगा है तो गर्म पानी का टेंशन नहीं है. और ये बेसिन वाला एरिया है. सीधा चलते हैं टेरेस की ओर. तो ये रहा टेरेस हमारा. देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही बड़ा है. सामने हॉस्टल 5 दिख रहा है. ये हमारा एंट्रेंस. ये रहा हॉस्टल 4 एंड हॉस्टल 3. और उस साइड है हमारा हॉस्टल 2. बहुत प्रिटी लगता है यहाँ से नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत लगता है. और सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं. और आ जाते हैं मेरे रूम की ओर. सो वेलकम टू माय रूम गाइस. ये वही रूम है जहाँ मैं बैठ के अपने वीडियोस एंड रील्स बनाती हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहले बात करते हैं इन बड़े बड़े कबर्ड्स के बारे में. दो दो कबर्ड्स हैं यहाँ पे, एक ये लंबा वाला और एक ये इतने ऊपर में. पता नहीं क्यों बनाया गया है, हर बार टेबल या चेयर पे चढ़ के वहाँ कुछ रखना पड़ता है, हालांकि ज़्यादा सामान रखते नहीं है. और इस कबर्ड में 3-3 शेल्व्स हैं. और इसी के ठीक बगल में है मेरा स्टडी टेबल. और ये रहा मेरा बेड. और ये कुछ पेंटिंग्स मैंने लगाए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. और कुछ सेल्फ मोटिवेशनल कोट्स खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए. और ये रहा मेरे रूममेट का कबर्ड और उसका स्टडी टेबल, उसने भी बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स लगाए हैं. ये उसका बेड है. और ऐसे दिखता है पूरा 2 सीटेड रूम. तो एक प्यारा सा बैल्कनी है जहाँ, हाँ ऑब्वियसली हम अपने कपड़े सुखाते हैं यहाँ पे. ये जो बुप्स यहाँ पे कपड़े वहाँ सुखाने के लिए. ठीक है, तो चलते हैं. वैसे मौसम तो आज बिल्कुल सही है, तो अभी चलते हैं हॉस्टल 2 की ओर. और ये रहा हॉस्टल 2. ये वही हॉस्टल है जहाँ मैं फर्स्ट ईयर में रहा करती थी. काफ़ी कुछ नया लगाया हुआ है. और वो राइट में रहा हमारी अप्पा का रूम यानी हमारी केयर टेकर का रूम. और ये सामने वाला है मेरा रूम, जो तो मेरा रूम था. तो अभी वो रूम मैं जा नहीं सकती, तो मैं आपको लेके आती हूँ मेरी फ्रेंड के रूम में. और ये रहा मेरी फ्रेंड का रूम. ये डिट्टो बिल्कुल सेम टू सेम वही मेरे पुराने रूम के जैसा ही है. और उसने भी यहाँ काफ़ी मोटिवेशनल कोट्स लगा के रखे हैं, मतलब अलग ही लेवल से उसने लगाया हुआ है. और
और ये जो ऊपर में है ना ब्लू वाइट में कुछ झालर सा है, ये मैंने ही उसको लगाने में हेल्प की है। तो ऐसे ही दिखता है 3 सीटेड रूम हॉस्टल 2 का, 3 बेड्स स्टडी टेबल्स। याप, तो वहाँ से निकल के आ चुकी हूँ मैं। सीधे बढ़ते हैं हॉस्टल 3 की ओर। ये रहा हॉस्टल 3, आगे बढ़ते हैं। ये रहा उनका एंट्रेंस और लेफ्ट में है उनका डाइनिंग हॉल। पूरा अंदर नहीं जा रही हूँ, ठीक है, बस ऐसे ही देख लूँ। और ये इधर से जाते उनके फर्स्ट फ्लोर, और मैं सीधा छत दिखा रही हूँ, ठीक है, रूम बाद में दिखाऊंगी। हाँ, इनका छत तो और ही मतलब ऑसम है, पूरा बहुत सही है। इधर भी सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, सारे हॉस्टल का व्यू दिखता है यहाँ से भी, और बहुत ज़्यादा ही बड़ा है ये, बहुत ही बड़ा है। वो देखो हॉस्टल 2 दिख रहा है यहाँ से, और ये वो पीछे का गांव वाला एरिया है, छोटा सा पौंड है, ये पूरा गांव एरिया है लाइक हमारे बाउंड्री के बाहर। तो आ जाते हैं रूम टूर पे, मेरी फ्रेंड का रूम आपको लेके जा रही हूँ। और ये रहा हॉस्टल 3 का 5 सीटेड रूम, 5-5 बेड है, स्टडी टेबल, यहाँ कबर्ड्स नहीं है, ठीक है, आपको ऐसे सेल्फ्स दिए जाते हैं जिनमें आप अपने सामान रखोगे। तो हाँ, अभी चलते हैं लेडीज हॉस्टल 4, बिल्कुल जो सीधा सीधा दिख रहा है सामने। अंदर चलते हैं, और ये रहा उनका एंट्रेंस। यहाँ मोस्टली पीएचडी और एमफिल वाले रहते हैं, और ये इस हॉस्टल मेनली 3 सीटेड 4 सीटेड भी है मिला करके, ठीक है। किसी किसी रूम में 3 बेड्स हैं, किसी किसी रूम में 4 बेड्स हैं, किसी किसी में अटैच्ड बाथरूम है किसी किसी रूम में, और ऐसा है कि इस फ्लोर में जो राइट साइड में जितने दिख रहे हैं रूम्स, वो सारा एक ही बाथरूम यूज़ करते हैं। ओके, और ये उनका एक प्यारा सा बालकनी है, बहुत ही प्यारा सा। तो मेरी फ्रेंड के रूम में चलते हैं, वो झाड़ू लगा रही है। ओके ओके, मैं पीछे पहले पहले पीछे वाला दिखा देती हूँ। यहाँ कपड़े सुखाते हैं, और ये रहा उनका पीछे वाला एरिया, देखो हॉस्टल 5 दिख रहा है। ओके ओके, अब चलते हैं उसके रूम। हाय, तो ये हॉस्टल 4, जहाँ जो है 3 सीटेड, देख सकते हैं 3 बेड्स पड़े हैं, एंड ये रहा उनका कबर्ड। नाउ देखो, तो बहुत अच्छा व्यू दिखता है। ओके, सो 1, 2, 3, 4 हॉस्टल कंप्लीट, और हमारा हॉस्टल कंपाउंड कितना खूबसूरत लग रहा है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो अभी चलते हैं हॉस्टल 5 की ओर, और वाव क्या नज़ारा है, पिंक एंड ब्लू स्काई है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो इसी खूबसूरती को ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं हॉस्टल 5 की ओर, जो काफ़ी बड़ा है। वहाँ से सीधा सीधा चढ़ के जाओगे, और यहाँ से लाइक जंप करके चढ़ना पड़ेगा आपको। ओके, चलते हैं। सीलिंग की हुई है भाई, मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, लाइक आई हैव नो आइडिया सीरियसली कौन सी चीज़ क्या है और क्या कहाँ पे है, मुझे ये भी नहीं पता, ये क्या है ये भी नहीं पता। अच्छा, यहाँ से सीढ़ी ऊपर के लिए, फायर एक्सटिंक्शन बहुत यूज है यार, लाइक सीरियसली चारों तरफ बिल्डिंग और लाइक बीच में ये गैप है, वहाँ पता नहीं क्या बनाया जाएगा, लेटर ऑन पता चल जाएगा। सीढ़ियों से ऊपर आ गए और भी भाई, हाँ लाइट ऑन करने के बाद लाइक थोड़ा सा
सही लग रहा है। आया कौन से रूम अलॉटेड है वो भी नहीं पता चल रहा है मेरे को, पर अभी टाइम लगेगा इसको प्रॉपर। चलते हैं किसी रूम में, और इस रूम में से तो अभी तक स्टूडेंट्स रहे नहीं हैं अभी तक। हाँ लाइट ऑन कर देती हूँ, हाँ बस अब सही दिख रहा है। तो ये हॉस्टल 5 भी है 3 सीटेड, ठीक है, जो कि रूम बहुत ही बड़ा है, और देख सकते हैं अलग अलग स्विच बोर्ड्स भी दिए गए हैं सारे बेड के ऊपर, और 3-3 कबर्ड्स भी हैं, तो जो कि बहुत सही बात है क्योंकि 3 सीटेड वालों में मोस्टली 2 ही कबर्ड्स देते हैं, तो जिसमें शेयर करना पड़ता है, पर इसमें सेपरेट सेपरेट 3-3 सेल्स हैं, आई मीन 3-3 कबर्ड्स हैं, ठीक है। बंद कर देते हैं और चलते हैं। और यहाँ पे नेट भी लगाया हुआ है दरवाजे पे, सही है। आई डोंट नो ये क्या है, हॉल है या क्या बनेगा ये, पर ये ही फ्रंट है पूरा, यहाँ से लाइक सीधा ही दिखता है हमारा हॉस्टल कंपाउंड पूरा। सो चलते हैं दूसरी साइड। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि आखिर जाना कहाँ है, और स्काई बहुत प्रिटी लग रहा है। ओके, मैं धीरे धीरे बहुत सारे यहाँ पे हॉल जैसा है कुछ मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ। हर फ्लोर का सेम ही स्ट्रक्चर है, और ये शायद है बालकनी जो फ्रंट से दिखता है ऊपर वाला। हाँ सामने हॉस्टल दिख रहा है, हाँ तो ये इतना ही है। तो अभी चलते हैं छत की ओर, देखिए कितनी ऊपर आ चुके हैं, और अब हम लोग जाने वाले हैं छत पे, टेरेस के सहे देखते हैं। अच्छा दो दो ओके ओह वो काफ़ी बड़ा है छत। वही पूरा हॉस्टल सारा घूम घूम करके रात हो गई, लाइक बहुत ही बड़ा ये हॉस्टल एक्सप्लोर करते करते बैंड बजी है मेरी। ये काफ़ी सही लग रहा है मिडिल वाला पोर्शन, बट यह चढ़ना कैसे मुझे नहीं पता। वो रहा हमारा हॉस्टल दिख रहा है। मैं हो रही हूँ रिटर्न, मैं हॉस्टल टूर से आ चुकी हूँ वापस, एंड ये बहुत ही टायर्सम डे था, और काफ़ी थक भी चुकी हूँ मैं, क्योंकि इतने सारे हॉस्टल जा जा के वीडियो बनाना इट्स लाइक या। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मैंने लाइक बहुत खुद से ट्राई किया है कि सारी चीज़ अच्छे से कैप्चर कर पाऊँ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। सो गाइस प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय।